बताइए वेंकटराव जी दौड़ के। आप बताइए रेणुका माता की क्या घटना घटी है यहाँ पे? रेणुका माता की घटना बेटा, पहले बार यहाँ यज्ञ हुआ था जी, कौन से सन में हुआ वो तो नहीं मालूम जी, पर उस वक्त का चमत्कार, प्रसादी के लिए पूड़ी बनना चालू थी जी, पूड़ी एक पूड़ी कन्या के रूप में आई माता, और कढ़ाई में खौलते तेल में पूड़ी डाली और वो हाथ से निकाल ली माँ ने जी, तो बहुत सारी बाया उनके पीछे देखने के रूप में, हाथ जल गया ऐसा करके दौड़ी, थोड़ी देर माता आई और अंदर से हो गई। अच्छा, इसी के साथ आज हमारे बीच में धर्म प्रचार प्रसार मंच के जिला सचिव युवराज जी कापसे है। कापसे जी, धर्म प्रचार प्रसार मंच के बारे में बताइए। धर्म प्रचार प्रसार मंच ये एक युवाओं का मंच है, जिसमें हर एक गांव से एक एक व्यक्ति जुड़ा है जो धर्म के लिए काम कर रहा है। जैसे जो छुपे हुए स्थान है, देवी स्थान, उनको जागृत करना, मतलब उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर, ये धर्म प्रचार प्रसार मंच का कार्य है। युवराज जी, धर्म प्रचार प्रसार मंच ने अब तक के कौन कौन से कार्य किए धर्म के प्रति? धर्म प्रचार प्रसार मंच ने सबसे पहले धारू वाली अम्बा माई का डंका बाजे रे एल्बम लॉन्च किया, उसके बाद ताप्ती माई का लॉन्च किया, और भारत पर प्रथम नदी अवतरित माँ सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का एल्बम लॉन्च किया, और उसके बाद ग्राम पोहर में सबसे पहले माँ ताप्ती का महाकुंभ का कार्यक्रम संपन्न कराया। अच्छा युवराज जी, धामन गांव की रेणुका माता का भजन एल्बम बनाने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया था? धामन गांव वाले रेणुका माता का एल्बम बनाने का हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, नीलेश दौड़ के, उनने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसी चमत्कारी सत्ता है और ये जन जन तक पहुँचाना चाह रहे थे, तो इस वजह से हम सभी दोस्तों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। धामन गांव के नीलेश दौड़के जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश दौड़के जी, आपका व्यवसाय बताइए। मैं नीलेश दौड़के ग्राम धामन गांव का निवासी हूँ, और मैं वर्तमान में पुलिस विभाग में इटारसी थाने में पदस्थ हूँ जी। धामन गांव की रेणुका माता का एल्बम बनाने का आपका दिमाग में कैसे आया है? मैं लगभग आज से 1.5 साल पहले से धर्म प्रचार प्रसार मंच से जुड़ा हुआ हूँ, रविंद्र भाई के माध्यम से, और युवराज भाई हैं, देवीदास लोखंडे जी हैं, इनके माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी जो है कि धारूड़ वाली माँ अम्बा रानी का जो एल्बम बना है, संजो बघेल इसमें सिंगर थी, और उसके अलावा जो ताप्ती माता का जो एल्बम बना है, इसमें सहनाज अख्तर जी ने ये एल्बम बनाया है। तो ये जो एक सामूहिक प्रयास है, अलग अलग गाँव के जो एक एक दो दो युवा लोग जो है निस्वार्थ भाव से जुड़ कर के और एकत्रित होकर के जो महिमा जो है, अलग अलग क्षेत्रों की जो महिमा है देवियों की, इस पर काम कर रहे हैं, और महिमा जो है एल्बम के माध्यम से, और ताप्ती मैया की जो महात्म्य कथा है पोहर में हुई है, हिवरा में हुई है, आठनेर में हुई है इससे पहले, और महात्म्य कथा और एल्बम और ऐसे सभी धार्मिक कार्यक्रम करवा करके और सहयोग दे करके हम महिमा जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है।